वेलकम वेलकम टू वेलकम बैक माई चैनल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो जी आज सुबह का टाइम है और आज पूरे के पूरे एक महीने बाद रिशांक जा रहा है स्कूल आई नो कि उसका बिल्कुल भी मर्जी नहीं होगा स्कूल जाने का और मेरा भी बिल्कुल मर्जी नहीं था उठने का क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इतनी सुबह उठी हूँ तो मुझसे गलती क्या हो गया ना कि मुझे ना कल रात को ही उसका बैग जो है ना पैक कर देना चाहिए था बट मैं उसका बैग जो है नहीं पैक कर पाई तो ये सब तो बातें चलती रहेगी लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा आधा अधूरा वीडियो देख के कुछ भी कमेंट नहीं कीजिएगा प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा सो so, फ्रेंड यहाँ पर रिशांक जो बैग है स्कूल बैग उसको मैं पैक कर रही थी और आजकल मैं थोड़ा सोफ़ा पे ही सो जाती हूँ रात में पता है कि आपके कहीं इतना बड़ा बेड है फिर सोफा पे सोने का क्या ज़रूरी है तो सोफ़ा पे मुझे आ, मैं इसलिए सो जाती हूँ ना क्योंकि मुझे थोड़ा रात में ना कंफर्टेबल फील होता है सोफ़ा पे और बेड पे पता नहीं क्यों मुझे रात भर नींद नहीं आता इधर से उधर फिर करते रहती हूँ आज सुबह में उठने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं सुबह सुबह उठूँ लेकिन क्या उठना तो पड़ेगा भाई बच्चे का स्कूल जो स्टार्ट हो गया तो बच्चे के पढ़ाई के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती मेरे लाइफ में मेरे बच्चा मेरा मेरे हस्बैंड मेरी uh, मेरा काम मेरे लिए बहुत इम्पॉटेंट रखता है सो so, सुबह जब उठी ना मैं आपको क्या बताऊँ सोची पाँच मिनट सो लेती हूँ पाँच मिनट सोते सोते साढ़े पाँच हो गया था उठते उठते पाँच बजे का अलार्म लगा के सोई हुई थी और उठते उठते साढ़े पाँच हो गया सोची पाँच मिनट और सो लेती हूँ पाँच मिनट और सो लेती हूँ ऐसे करके सारे पाँच हो गया फिर मैंने कहा नहीं उठ जाती हूँ क्योंकि ऋशान का भी मॉर्निंग स्कूल है सिक्स फोर्टी तक उसको स्कूल में पहुँच जाना होता है इस सीज़न से सो चलिए उसका बैग मैंने पैक कर दिया मैं थोड़ा अपना आँख वाँख जो जो होता है उसको धो लूँ क्योंकि मेरा आँख भाई नहीं खुल रहा है सच में फ्रेंड शादी के बाद बच्चे के बाद लाइफ पे ना टहल का मजा आता है बट बिना बच्चे की लाइफ में मज़ा भी नहीं है यार जो और आज मैं थोड़ी से ना मुझे भी थोड़ा सा अपसेट फील हो रहा था कि रिशांक स्कूल जा रहा है क्योंकि मुझे आदत हो गया था इन दिनों रिशांक के साथ रहने का ना तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि यार क्यों स्कूल खुल गया मैं भी यही सोच रही थी तो फाइनली रिशांक का मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है और पता है क्या हुआ मैं ब्लॉग बनाना भूल गई जब उसका टिफिन बना रही थी मैं क्योंकि ना मतलब कुछ दिनों से मेरी आदत ना बस जो इस्पॉन्सरशिप वाला देखिए हमारे उनके बीच बहुत सारी बातें रहती है तो मैं उनकी वीडियो स्किप नहीं कर सकती तो स्पॉन्सरशिप का वीडियो मैं थोड़ा बहुत सा बना भी लेती थी तो ईशान को यहाँ पे देखिए मतलब उसका वीडियो बनाती हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बस यहाँ पे उसको ब्रश करने के लिए लाई थी सो के उठ के ब्रश कर रहा था उसके बाद मैंने उसको रेडी करवाया कि और रेडी करवा के मैं उसको बैठाई हूँ स्कूल जाने के लिए तो बहुत जाके बहुत दिनों के बाद जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना तो बहुत कुछ मिस कर दे रही हूँ शूट करना भूल जा रही हूँ कि मुझे शूट भी करना है यहाँ पे मैं उसके हेयर में ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि स्कूल में बोलते हैं ऑयलिंग करके है। मेरे आँखें देख सकते हैं अब मुझे उसको भी पहुँचाने में स्कूल मुझे ही जाना है मॉर्निंग का टाइम है तो मेरे मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको वॉकिंग करना है मॉर्निंग में तो मैंने सोचा कि चलो मतलब इसको छोड़ भी दूँगी स्कूल और मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा तो अभी मैं इसको स्कूल छोड़ना तो इसको चाहिए कि भाई इसको नींद तोड़ना है तो कैसे भी इसका देख सकते हैं यार ये भी आधे नींद में है मैं भी आधे नींद में हूँ बट इसको मैंने खिला पिला दिया है ब्रेड और दूध मैंने इसको सुबह सुबह दिया था ब्रेकफास्ट में बाकी टिफ़िन मैंने बना दिया तो चलिए अब निकलते हैं और ये मुझे कह रहा था मम्मी कितने दिन के बाद वीडियो बना रही हो मतलब ये भी थोड़ा था रहा कि मम्मी वीडियोस उतना नहीं बना रही है क्योंकि देखिए फ्रेंड मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर दी थी तो, तो मैं झूठ मूठ का क्या ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी है ना और डॉक्टर ने मुझे काफ़ी रेस्ट के लिए बोला था तो मैं प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर रही थी और बस यहाँ पर देख सकते काफ़ी ज़्यादा गर्मी था रिशां को स्कूल छोड़ के मैं घर के लिए निकल गई थी तो चलिए अभी घर चलते हैं पहुँचते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं बातें करते हैं तो घर पहुंचते ही सीधे मैं किचन में आ गई थी और रंजना यहाँ पे अपना काम जो है ना वो कर रही है जो मेरी मेट है वो अपना काम जो है वो कर रही है तो, तो ये दूध में ना बर्फ़ जम गया था तो पहले इनको पिघलाते हैं और फिर बनाते हैं चाय और पति देव को जगाते हैं और आप लोग से थोड़ी बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें जो है वो कर लेते हैं हेरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी होप हुई आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड बाहर का मौसम भी अभी अच्छा हो रहा है सुबह में गई थी निशान को छोड़ने के लिए काफ़ी थोड़ा धूप हो रहा था मौसम मौसम बादल लग रहा था सो so, कैसे हैं आप लोग होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं रेगुलर में रेगुलर मेरे वीडियोज़ जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँ बहुत दिन मैंने रेस्ट कर लिया सो आप लोग के इतने सारे कमेंट्स इतने सारे डीएम के बाद मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अब कल अपलोड की थी और मैं सोची कि चलो अब ब्लॉग बनाती हूँ आप लोग ने बहुत कुछ मुझे मैसेजेस किया था कमेंट भी किया था बहुत लोग ने बुरा मैसेज भी किया मतलब कमेंट किया कि आप अपना दुख जो होता है वो बता देती हो बट आपकी जो खुशी है वो आप बताती नहीं हो तो ऐसा नहीं है हर चीज़ का एक सही समय आता है तभी आप बता सकते हो मैंने ये बात एक बार वीडियो में बोला था कि सही समय आने पे मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी क्योंकि सब बात हम बहुत जल्दबाजी में नहीं बोल सकते राइट ना तो मेरा भी वही सिचुएशन है आप लोग समझ सकते हैं दोस्त कम है मेरे दुश्मन हज़ार है मेरे ऐसी वाली सिचुएशन है मेरी तो हर बात मैं बहुत जल्दी शेयर नहीं कर पाऊँगी बट चलो ठीक है कोई बात नहीं आप लोग ने बहुत बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने एकदम हंड्रेड परसेंट गेस सही कर लिया था सो so, यस yes, मैं प्रेग्नेंट हूँ और uh, कितना मंथ चल रहा है ये मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊँगी कि मेरा कितना मंथ चल रहा है मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी मैं खुद से खाना नहीं बना सकती थी बहुत सारे मेरे साथ प्रॉब्लम्स थे हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा केयर की बहुत ज़्यादा किसी के हस्बैंड इतना करते होंगे शायद जितना मुझे उन्होंने रिलीफ दिया बट आज से निशान का स्कूल खुला हुआ है तो वो जिम्मेदारी मेरी है तो मैं उसको अच्छे से निभाऊंगी और पहले से मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ तो मुझे उतना टेंशन नहीं है अभी फ़िलहाल अभी मैं ठीक हूँ हाँ डॉक्टर ने कहा है रेस्ट करने के लिए अपना ध्यान रखने के लिए ख्याल रखने के लिए वो तो मुझे अभी रखना ही है बहुत अच्छे तक सो so, चलिए फ्रेंड अभी पति देव के लिए चाय बनाते हैं और बहुत दिन के बाद मैं मॉर्निंग चाय बना रही हूँ नहीं तो पति देव भी बनाते थे तो चलिए आप लोग ब्लॉग वीडियो बने रहिए आई होप कि अब आप लोग मुझे बुरा भला मत नहीं बोलिएगा आप लोग ऐसे बोलते हैं मुझे आप अपनी खुशी नहीं बताती हो आप अपने दुख बहुत जल्दी बताती हो तो ऐसा नहीं है और देखिए हम लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारे में ना ये सब बातें ना बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है ये सब बातें हम किसी के साथ शेयर नहीं करते आई नो कि आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली है मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए था बट मैं उस टाइम पे नहीं थी मैं इंतज़ार कर रही थी सही समय आने का उसके बाद मैं बताती आई डोंट नो ये सही समय था या नहीं था मुझे नहीं पता बट आप लोग इतने सारा रिम्स और कमेंट देख के ना मैंने कहा कि चलो कोई नहीं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोग ने इतना भला बुरा मुझे बोले जा रहे हैं तो मैंने कहा चलो बोल देती हूँ आप लोग के साथ बस आप लोग अपना आशीर्वाद अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा और चलिए चाय बनाती हूँ फिर बात तो बहुत लोग जान के ये खुश हो हुए होंगे बहुत लोग दुखी भी हो गए होंगे है ना आ, पर देखिए मैं ये बातें नहीं बताती अभी बिल्कुल नहीं बताती मैं तो सोची भी नहीं थी कि बताऊंगी क्योंकि देखिए हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे में ये बात ना बहुत ज़्यादा पर्सनल रहता है बट आप लोगों की वजह से मुझे ये बात बताना पड़ा है क्योंकि देखिए जब आप सोशल मीडिया पे हो तो आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हो मैं एक इन्फ्लुन्सर हूँ और मुझे अप मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो ऑब्वियसली आप लोग भी जो बोल रहे थे वो चीज़ में समझ रही थी बहुत लोग बहुत तरीके की बातें कह रहे थे कि आप अपना दुख जो होता है बहुत जल्दी बता देती हो बट आप अपना आपकी खुशी की बातें आप शेयर नहीं कर रही हो ऐसा नहीं है फ्रेंड कौन नहीं चाहता कि अपनी जो खुशी है वो दूसरों के साथ शेयर करे सभी लोग चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे रीजन से कि नहीं अभी नहीं बताने का सही टाइम था बट आप लोग का इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कमेंट और इतना ज़्यादा डीएम में देख देख के डीएम बहुत सारे डीएम्स का मैंने रिप्लाई नहीं किया उस उसके लिए भी बहुत लोग नाराज हो गए थे कि रिप्लाई नहीं कर रही हैं आप पर आज आप लोग के साथ मैंने रिवील कर दिया है कि मेरे आ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और माता रानी की आशीर्वाद से फिर से मुझे एक बार माँ बनने का मौका मिला है तो मैं तो बहुत खुश हूँ हस्बैंड भी बहुत खुश है इन दिनों मैं बेड रेस्ट में थी हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा केयर किया इतना केयर किया है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ अभी तो मैं थोड़ा बहुत सा काम जो है अपना कर लेती हूँ क्योंकि खाना मैं बनाती थी ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मेल लगता था खाने का तो मैं पता है आपको आ, मैं आप लोग के साथ बहुत दिन पहले शेयर कर देती पर दो महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि आ, क्यों नहीं पता था आप सोचिए कि पीरियड मिस हुआ फिर भी पता नहीं चला तो मैं बताऊंगी किसी दिन आप लोगों को कि मुझे क्यों नहीं पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे बहुत मतलब मुझे बाद में पता चला लास्टली कि अच्छा ऐसा कुछ है जब मेरे डॉक्टर से चेकअप वेकअप चला उसके बाद मुझे पता चला सो so, कोई बात नहीं अभी तो फ़िलहाल घर के मैं बहुत सारे काम कर पाती हूँ लेकिन कुछ दिन पहले मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी तो कुछ करना होता नहीं था तो आप लोग के साथ क्या ही शेयर करूँगी जो मेरे कॉल ऐप का वीडियो होता है तो देखिए वो सब तो मुझे शेयर करना ज़रूरी होता था क्योंकि उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है किसी का एक साल का किसी का छः महीने का किसी का तीन साल का तो मुझे उनका काम करना मेरी मजबूरी थी उस टाइम पर खुशी नहीं थी लेकिन करना पड़ा तो आप लोग देख भी रहे होंगे रूम में थोड़ा सामान चेंज हो गया है ये छोटा वाला बेड इस साइड आ गया है सोफ़ा उस रूम में चला गया है बॉक्स और अलमीरा इस रूम में आ गया है है ना थोड़ा बहुत सारा रूम का भी जो चेंजिंग है ना वो हुआ है तो अभी मैं ये सारा काम जो है वो निपटा लूँगी और नहा लूँगी और ईशानक का भी आने का टाइम ऑलमोस्ट जो है वो हो ही गया है अच्छा घड़ी जो आपको दिख रहा होगा टाइम ना उस टाइम पे नहीं जाइएगा घड़ी का बैटरी ना ख़राब हो गया है तो अभी तक ना चेंज नहीं हुआ है सो so, बस ये सारे काम जो है कंप्लीट हो गए हैं और आज रिशान को छोड़ के आई ना तो घर भी बहुत ना खाली खाली सा लग रहा था मन नहीं कर रहा था कोई काम करने का तो पति देव अभी नहा धोवा के ऑफिस चले गए हैं और मैं अपने काम जो है वो कर ले रही हूँ तो झाड़ू पोछा बर्तन तो रंजना ही करती है बाकी जो घर की डस्टिंग वस्टिंग का काम है वो मैं कर लेती हूँ सो so, आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे सच में आप लोग माफ़ कीजिएगा मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लेट से आप लोगों को बताया आप लोग के बहुत सारे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे ना मुझे बुरा लगता था मैं चाहती थी कि आप लोग को बता दूँ लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कंट्रोल किए कि नहीं सही समय आने पर मैं खुद ही सबको सब बात जो है ना वो बता दूंगी शेयर कर दूँगी कुछ लोग को मेरे पेट से अंदाज़ा लग गया था क्योंकि जो मैं साड़ी का फोटोज़ डाली थी है ना तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझेंगे और हमसे नाराज़ आप लोग नहीं होंगे और देखिए जब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं मुझे पता है कि मैं ज़्यादा कुछ बात आप लोगों के साथ नहीं छिपा सकती है ना तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अपना जो मेरा डेली रूटीन का जो स्किन केयर रूटीन है वो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था नहाने गाने के बाद भी और जब आप इस सिचुएशन में हो तो गर्मी आपको और भी ज़्यादा ही लगता है है ना तो बस अभी मैं यहाँ पे जो मेरी डेली का मेकअप है मैं कर लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ वैसे तो पति देव ही पूजा कर लेते हैं सुबह सुबह अच्छे से लेकिन फिर मैं भी पूजा कर लेती हूँ क्योंकि बिना पूजा किए ना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता और मेरी इस लिपस्टिक का हाल ना बहुत बुरा रेशांक ने कर दिया है बट नया ही है तो मैं उसको कैसे भी ना यूज़ कर ले रही हूँ सो अभी लगा लेते हैं सिंदूर और बस डेली का मैं यही मेकअप करती हूँ ज़्यादा कुछ राम झाम नहीं लगाती हूँ और अभी मैं तू जाके तुलसी मैया में, में जल चढ़ा ली थी और उसके बाद पूजा का बर्तन धो के ले आई थी और जो पूजा है वो मैं कंप्लीट भगवान जी को भोगूँ क्योंकि मैं ही लगाती हूँ हस्बैंड से फुल चढ़ा के अगर बत्ती बत्ती जो जो है वो दिखा देते हैं बाकी का जो काम है वो मैं ही करती हूँ तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ पूजा पाठ जो है हो चुका है पसीना देख सकते कितना पसीना आ गया है so, सो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करूँगी अभी मैं जा रही हूँ नहा ली हूँ तो सत्तू पी लूँगी निशांक अब थोड़ी देर में आ ही जाएगा बट मेरा ड्यूटी नहीं है उसको लाने का क्योंकि मैं ले आई हूँ मतलब मैं उसको पहुँचाई हूँ तो लाने का ड्यूटी नहीं है एंड थोड़ी देर में आ जाएगा वो निशांक तो फिर उसकी आदत हो गया ना उसकी गर्मी की छुट्टी चल रहा था तो आदत हो गया मुझे उसके साथ रहने का तो फिर ना मन नहीं लग रहा था पूरा फिर मैंने कहा चलो मैं फटाफट से अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ तब तो तक तो उसका आने का टाइम हो जाएगा इसे मैंने एक घंटा रेस्ट भी किया क्योंकि तो बैक टू बैक मुझसे काम नहीं हो पाता है रंजना आती है अपना काम करके जाती है सो so, चलिए ब्लॉग यही एंड है करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग अच्छे होंगे खुश होंगे हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में बाय बाय टेक केयर